Hi, Roma. I need your help. हाँ बोलो ना. Anything for you. वैसे क्या है कि जयामा का बर्थडे आ रहा है और मैं उन्हें सोच रहा था कि एक रिंग गिफ्ट करूं, बिल्कुल तुम्हारे जैसी. मुझे वो बहुत अच्छी लगती है. ठीक है, तो वो रिंग मैं तुम्हारे ऑफिस भिजवा देती हूँ. नहीं नहीं, ऑफिस भेजने की जरूरत नहीं है. You can just show it to me. Roma, thank you so much. I'll call you in the evening. Bye. Okay. Bye. देखा, हमने आपसे कहा था ना कि अगर रोमा झूठ बोल रही है और ये सब कुछ उसने किया है तो उसकी उंगलियां पिंक हो जाएंगी. दिखाइए. देखिए, दरअसल जब हम स्कूल में थे तो केमिस्ट्री हमारा फेवरेट सब्जेक्ट था और हमने स्कूल में पढ़ा था कि बाथरूम में जो ब्लीच यूज होता है उसमें अगर हम एक सोल्यूशन फलीन डालें तो उससे वो पिंक हो जाता है. और आज हमने अपने ब्लीच में डुबाए हुए हाथ रोमा से मिलाए थे. क्यों? ब्लीच इतनी आसानी से तो वॉश होता नहीं है और हमारे बैग में जो सिरिंजेस और दवाइयाँ पड़ी थी उसमें भी वो सोल्यूशन स्प्रे किया था क्योंकि हमें पक्का यकीन था कि रोमा अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाने तो जरूर रहेंगी. और जैसा हमने सोचा था एकदम वैसा ही हुआ. यानी कि हमारे बैग में वो सिरिंजेस और वो दवाइयाँ और किसी ने नहीं, रोमा ने प्लांट की थी. वरना आप खुद सोचे ना, कोई सबूत के साथ छेड़छाड़ क्यों करेगा. देवराज सर, हम झूठे नहीं हैं और अभी तो बहुत सारी बातें जो आप रोमा के बारे में जानते भी नहीं हैं. और ये आपसे वादा है हमारा कि आज रात होने से पहले हम रोमा का असली चेहरा आपको दिखा के रहेंगे. बस तब तक आप रोमा से कुछ मत कहिएगा. देखो तो तुमसे कौन मिलने आया है. खास मेहमान आए हैं. अब बैठिए ना, बैठिए. ये है ईशापुर की महाराजा और ये है महारानी. ये है हमारा बेटा आरव. अरे सब क्या हो रहा है? अरे वही जो एक जवान लड़के के माँ बाप करते हैं, शादी की बात और क्या. अरे महाराज जी, अपनी बेटी नयनतारा का रिश्ता लाए हैं तुम्हारे लिए. ये लो, इस हार को ना अपने हाथ से छू लो. हाँ. फिर ये हार नयनतारा के पास जाएगा ताकि उसे पता चल जाए कि हमें उसका रिश्ता मंजूर है. परफेक्ट. लो. हो गई जी रसम पूरी, मुबारक हो. और हमारी मुराद भी. अब तो हर जगह हमारा ही राज होगा. राज क्या? राज घराने की मिठाइयां खाइए. लीजिए ना, लीजिए लड्डू जलेबी, यहाँ की फेमस है. लीजिए ना प्लीज. और वैसे भी इस खुशी के मौके पे मुंह मीठा करना तो बनता है. ये लीजिए, हाँ लीजिए. मॉम आई एम सॉरी, पर इस हार पे इनकी बेटी का नहीं उसका हक है जिसे मैं प्यार करता हूं. आरव, आरव क्या बेहुदा मजाक है ये? नहीं डैड, ये सच है और ये सच नहीं बदलेगा. मैं इनकी बेटी से इसलिए शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूं. प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए. आरव, 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 राठौर खानदान बहुत अच्छी खातिरदारी करता है ये तो हमने सुना था. आज हमने खुद अपनी आंखों से देख भी लिया. कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं बात करता हूँ. प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए. देखिए ऐसी बात नहीं है, मैं बात करता हूँ. आप हमारी बात सुनिए. मैं बात करता हूँ ना उससे. महाराज, अरे महाराज जी, महाराज, अरे राजा जी, राजा जी, राजा जी. हमारा परफेक्ट टाइम तो आने से पहले ही खत्म हो गया.
रोमा तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? अरे चलो ना, मैं कुछ चुरा थोड़ी रही हूँ, यहीं पे बस। हाँ ओके रेडी? या सरप्राइज। ये सब मैंने किया है, तुम्हारा फेवरेट खाना, तुम्हारा फेवरेट ड्रिंक और तुम्हारी फेवरेट मूवी। कम ऑन लेट्स गो। कम हमें फिल्म देखने के लिए इनवाइट करके बिना हमारे ही फिल्म शुरू कर दी। हम यहाँ कृष्णा के बुलाने पर नहीं आए, सिर्फ इसलिए आए हैं कि देव आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देखने के लिए आंखें तरस गई। बारह घंटे बाद तुम इस घर से बाहर होगी। सुनिए, इनसे कहिए कि फिल्म शुरू कर दे। हमारे परफेक्ट टाइम का तो दी एंड ही हो गया, अब कॉमेडी फिल्म में क्या हंसी आएगी? हाँ तुम शांत रहो। और जो मेरी लाइफ में ट्रेजेडी लाने वाले थे, आप उसका क्या? मेरी खुशियां छीन के आप खुश रह पाती मॉम? आरव, ये मैटर यहाँ खत्म नहीं हुआ है, इस बारे में हम फिर से बात करेंगे, लेकिन अभी चुप। रोमा फिल्म शुरू कर दो, आइए बैठते हैं। आप अपना ओपनिंग एक्ट भूल गए? सुबह ओपनिंग एक्ट तैयार किया था ना, भूल गई? कम 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 आ जाओ, कम 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 कम, चलिए शुरू हो जाइए। अरे आप शर्मा क्यों रही है? सुबह हमारे साथ तो इतने अच्छे से रिहर्सल्स की थी आपने। जयमा ये यहाँ क्या कर रही है? इसकी जगह मंदिर है, इसे मंदिर जाने कहिए। कृषा इतनी मुश्किल से तो दो पल सुकून के मिले, आप वो भी हमारे परिवार के लिए बर्बाद करना चाह रही है? ये सही कह रही है, प्लीज आप मंदिर वापस चली जाइए। जयमा प्लीज हमें 5 मिनट दे दीजिए, हम खुद ब खुद चले जाएंगे। लेकिन आज रोमा के साथ ड्रामा के बिना तो कहीं नहीं जाने वाले। चलिए रोमा एक्ट शुरू कीजिए, कीजिए। लाइन्स याद नहीं है, कोई बात नहीं, लाइन्स तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आपको सिर्फ लिप सिंक करना है। विक्रांत की मदद मैंने की थी, ऐसे नहीं। दक्ष ने तो मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं। देवराज दक्ष की किसी फ्रेंड को ढूंढ रहा था जिसे तुम्हारे बारे में कुछ सच्चाई मालूम है, बस मैं वो फ्रेंड बन गई। देवराज को लगता है कि देवराज के भाई को तुमने मारा है, इसलिए वो तुमसे कभी प्यार तो नहीं करेगा, और इसमें मैं इतना घी डालूंगी कि वो ज्वालामुखी बन जाएगी। देवराज को पाने का इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? तुम्हारा टाइम खत्म, अब मेरा टाइम शुरू। देवराज सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। मेरी एक बार बात सुन लो प्लीज, मैं तुम्हें अपनी दोस्त मानता रहा और तुम मुझसे अपनी दुश्मनी निभाती रही। दुश्मनी?
दुश्मन होती तो अभी तक तुम्हें बर्बाद कर दी होती। मैं तुमसे प्यार बस। अब इस महल में तुम्हारी रहने की कोई जगह नहीं है, चलो यहां से निकलो। देव मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे प्यार शादीशुदा हूं मैं। समझी तुम, शादीशुदा हूं मैं। You know what, देव? तुम जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जो तुमसे सच्चा प्यार करता है तुम्हें तो वो नजर ही नहीं आता है, और जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, जो अपने पूरे दिल से तुमसे नफरत करता है, तुम उसके आगे पीछे भागते रहते हो। और पता है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? दक्ष। दक्ष। दक्ष को तुम भाई से ज्यादा मानते थे ना, जुड़वा था तुम्हारा, तुम्हें उसके बिना अधूरा लगता था, पर तुम जानते हो कि वो तुम्हें क्या मानता था? दक्ष तुम्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। तुम उससे जितना प्यार करते थे वो तुमसे उतनी नहीं, उससे कहीं ज्यादा नफरत करता था। दक्ष तुम्हारी जिंदगी का वो जहर था जो ना तुम्हें जीने देता और ना तुम्हें मरने देता। खबरदार मेरे भाई के बारे में बोलने की हिम्मत कैसे है तुम्हारी? आखिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये लीना, खबर छोड़ देव, छोड़ उसे। ओएमजी देव, लेट गो। लीना, इसके बारे में सब बोल के दी। और देव, तो आपको हमारी कसम। के बाद किसी ने भी दक्ष के बारे में एक बात बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा भाई मुझे छोड़ के जा चुका है, लेकिन अब अगर किसी ने उसकी यादें मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं उससे उसकी सांसें छीन लूंगा। मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ था, सब कुछ। सबसे बड़े दुश्मन थे वो आपके, सुना आपने? सबसे बड़े दुश्मन। और ये सच बोलने के लिए अगर आप हमारी जान लेना चाहते ना तो ले लीजिए, छीन लीजिए हमारी सांसें। लेकिन आज आपको हम अपनी बेगुनाही का और दक्ष की हकीकत का सच बता कर रहेंगे। दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं है ना आपको? खुद की आंखों पर तो विश्वास करेंगे? बस एक बार ये देख लीजिए, ये पेन ड्राइव तो मेरी है, ये तुम्हारे पास कैसे? चुप, एकदम चुप। तुम्हें हमसे कोई भी सवाल करने का कोई हक नहीं है, सुना तुमने? चुप। ध्यान से देखो रोमा, तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? देवराज आएंगे तो अगर हम मिल जाएं, तो देवराज और कृष्णा को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर सकते हैं। वो जिस दिन दुनिया करती है प्यार, हम उस दिन करेंगे बाहर। वैलेंटाइन डे से कृष्णा और देवराज के बीच में होगी दुराव। देवराज के लिए कृष्णा उसका सुकून है, उसकी जिंदगी ना। मैं उससे उसकी जिंदगी, उसका सुकून, सब कुछ छीन लूंगा। ऐसा माया जाल बचाऊंगा जिसमें से वो खुद नहीं निकल पाएंगे। दक्ष, क्या दक्ष? भाभी कैसा लगा
भाई के गिफ्ट में मेरा तड़का। जल्दी से माया बन के भाई के पास पहुंच जाइए। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है और तुम माया बन के वहां नहीं पहुंची तो मैं भाई को माया के पास पहुंचा दूंगा। जो चीज मैं यहां पर लेके नहीं कर पाया तुम्हारे पास, वो मैं तुम दोनों से दूर जाकर पक्का कर दूंगा। ये रिकॉर्डिंग भी रोमा ने खुद करवाई थी। आपको पाने के लिए दक्ष के साथ हाथ तो मिला रहा था, लेकिन हाथ मिलाते ही उन्हें ये रियलाइज हुआ कि दक्ष अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपका किडनैप होना, महाशिवरात्रि के दिन दक्ष का जहर ले लेना, अखिल का मरना, मेंटल असाइलम से लोगों का आना, हमारा नाम लेके, ये सब कुछ दक्ष का किया कराया था। तो दक्ष का हाथ खराब था और वही दिमाग, और तेरा सर जो दवाई आप उनको दे रहे थे वो उनको मानसिक तरीके से कमजोर करने के लिए नहीं थी, बल्कि वो हम सब के दिमाग के साथ खेल रहे थे। मेरा भाई उसने अपनी जान सिर्फ इसलिए ली ताकि कृष्णा मुझसे दूर हो सके। देवराज सर, ताकि मैं कृष्णा से नफरत कर सकूं। दक्ष हार के भी जीत गया और मैं कृष्णा से नफरत करने लगा। जिस तरह से आपने देव को परेशान किया है, उसके बाद इस महल में तो क्या अंबिकापुर में भी आपके लिए जगह नहीं। अगर दक्ष आज जिंदा होते तो उनके किए की सजा भी उन्हें दी जाती। वो तो नहीं है यहां, लेकिन आप हैं, और आपके करतूतों की सजा आपको जरूर मिलेगी। सिक्योरिटी, जयमा, बस जो लोग रिश्तों की अहमियत नहीं जानते उन्हें रिश्तों को नाम देना भी नहीं आना चाहिए। इन्हें देवराज की जिंदगी से इतनी दूर लेकर चले जाइए कि इनका साया भी हमारी जिंदगी पे कभी ना पड़ पाए। अपने आप जाएंगी या ये खींच कर ले जाए? ये ड्रामा तो खत्म नहीं होगा, हम अपने फोन में लगे रहते हैं। मेरा तो मकसद पूरा नहीं हुआ, तुम अपना मकसद खुद संभालो। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। जो खुद ही शिकार हो जाए उसकी गजवर्धन को कोई जरूरत नहीं। अच्छा है एक राजदार खुद ही चला गया।
आपके दिल टूटने की आवाज सुनाई दे रही है हमें। आपके हर दर्द हर दुख में आपका साथ देंगे, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं।